जिसको राम नहीं बोलना लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए अभी से। जय श्री राम बोलने का दिल करेगा तो ना बोलोगे। जय श्री राम बुलवा के खाना दे रहे हैं तो आपको नहीं बोलना है, मत लो खाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। यह वायरल वीडियो महाराष्ट्र के मुंबई में टाटा हॉस्पिटल के बाहर का है, जहां एक शख्स लोगों को खाना बांटते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इल्जाम है कि खाना बांटते वक्त ये नफरती बुजुर्ग लोगों को JSR का नारा लगाने के लिए कह रहा है। और यही नहीं, इल्जाम तो ये भी है कि इस बुजुर्ग ने एक मुस्लिम महिला को भी नारे लगाने के लिए कह दिया, और इसके बाद कुछ लोगों ने जब लगातार शख्स को ऐसा करते देखा तो वीडियो बनाना शुरू कर दिया। क्या हुआ अंकल? अंकल अंकल क्या हुआ अंकल? बोलिए, क्या बोल रही है? खाना दूंगा तो जय श्री राम बोल, बोलने का दिल करेगा तो ना बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, जब वो बोल रहे हैं ना तो आप मत लो खाना। नहीं, आपको जब नहीं बोलना है तो मत लो खाना। आपको जब नहीं बोलना है तो मत लो खाना। दरअसल मुंबई के टाटा हॉस्पिटल के बाहर कुछ NGO की तरफ से मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए मुफ्त खाने का इंतजाम किया जाता है, लेकिन देश की नफरती हवा ने यहां भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जब ये हिजाब पहनी महिला क्या बोल रही है? खाना दूंगा तो जय श्री राम बोल, बोलने का दिल करेगा तो ना बोलोगे? भागो इधर से, नहीं तो मारूं। नहीं नहीं नहीं, जब वो बोल रहे हैं ना तो आप मत लो खाना। नहीं, आपको जब नहीं बोलना है तो मत लो खाना। मत कर। आपको जब हिजाब पहने महिला इसकी पुरजोर मुखालफत करती हुई वीडियो में देखी जा सकती है। उसका ये भी कहना है कि नारे नहीं लगाए तो उसे भगा दिया और खाना भी नहीं दिया। खाने के लिए लाइन लगाया, ठीक है, बराबर। आपको अगर नहीं देना है पीछे साइड में जाओ, जय श्री राम बोलना तो दूंगा, नहीं दूंगा। ओके। बुजुर्ग व्यक्ति भी खुद इस बात को मान रहा है कि वो नारे लगाकर लोगों को खाना दे रहा है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नहीं नहीं, उनका धर्म अपनी जगह ठीक है, धर्म का इसमें कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, आप बोल रहे हो, ठीक है, धर्म कोई भी हो, आप बोल रहे हो जो। यही नहीं, ये नफरती जहनियत का बुजुर्ग अपनी नफरत में इतना लीन नजर आ रहा है दोस्तों कि वो महिला को ना सिर्फ गालियां देता है बल्कि लात मारकर भगाने तक की धमकी देता है। जाकर के बोलते जिसको राम नहीं बोलना लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए अभी से, किसी को भागा भाग जाए। यही नहीं दोस्तों, कट्टर जहनियत वाले लोग तो खाने के बदले JSR के नारे को सही करार दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है, अगर आप जय श्री राम का नारा लगाकर खाना खाना चाहते हैं तो उसमें बुराई क्या है। सुनिए क्या बोले। जयकारा लगा रहे जय श्री राम का, क्या बोल रहे? कुछ बोल नहीं रहे। नहीं बोल रहे ना कि जय श्री राम बोलो। हां तो मैंने भी लिया। आपने लिए? आपने भी लिए? वो बोल रहे ना जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोलने में क्या बुराई है? और जबकि जिन लोगों के जहन में अभी भी इस नफरत के जहर का असर नहीं हुआ है या फिर वो इस नफरत से पाक हैं, वो इस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि खाना बांटने के नाम पर ऐसे नारे लगवाना गलत है और दूसरे मजहब के लोगों को इसे थोपा नहीं जा सकता। जब हॉस्पिटल वाले मतलब कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रहे, आप लोग खाना बांटने आ रहे हो, खाना बांट के जाओ बस, ये थोड़ी है कि आप महिलाएं कौन उसे दे रहा है? खाना बांट के जाओ, जय श्री राम बोलेगा तो खाना मिलेगा। वापस निकालने का इधर वापस बोलिए अंकल। को भंग करने के इल्जाम में मामला दर्ज हो सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।